नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग अगले 45 मिनट तक छोटे बच्चे के एजुकेशन के बारे में बात करने वाले हैं। बच्चों का एजुकेशन मतलब उनके अर्ली लर्निंग पर बातें करेंगे। अर्ली लर्निंग का मतलब है एक साल से लेकर 8 साल तक दी जाने वाली शिक्षा। आज हम जानेंगे अर्ली लर्निंग की वजह से आपके बच्चे का कल कैसे बेहतर हो सकता है। हमारे प्रोडक्ट का नाम है सुपर आईक्यू, और आज हम सुपर आईक्यू को सरल भाषा में और सिंपल तरीके से आपको समझाएंगे। बच्चे किस आयु में सीखना शुरू करते हैं, आप क्या सोचते हैं? मेरी जानकारी के मुताबिक ज्यादातर पेरेंट्स सोचते हैं कि बच्चे 12 से 18 महीने के बाद सीखना शुरू करते हैं। चलो जानते हैं कि बच्चे कब से सीखना शुरू करते हैं। मस्तिष्क, चाइल्ड साइकोलॉजी, न्यूरोसाइंस, शिक्षण शास्त्र और शिक्षा पर किए गए लेटेस्ट साइंटिफिक रिसर्च के अनुसार बच्चे गर्भ में ही सीखना शुरू कर देते हैं। यह बात मुझे एक पौराणिक कथा महाभारत की याद दिलाती है, जिसमें अभिमन्यु ने चक्रव्यूह को तोड़ना अपनी माँ के गर्भ में ही सीखा था। यह बात हम सबको पता है, पर हम इसे फॉलो नहीं करते हैं। पर आज जब इन्हीं बातों की पुष्टि साइंस कर रही है, तो हमें मानना ही पड़ेगा कि बच्चे गर्भ में ही सीखना शुरू कर देते हैं। बहुत सारे लोग जानते होंगे कि आजकल गर्भ संस्कार के कोर्सेज भी कराए जाते हैं। अब जन्म के बाद बच्चे के दिमाग का विकास कैसे होता है, यह समझने के लिए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने अलग अलग उम्र के स्टेजेस पर बच्चे के मस्तिष्क मतलब कि ब्रेन की सिनेप्सिस ली है। यहाँ पर जन्म के समय के स्टेज पर कुछ ऐसे होते हैं, 3 वर्ष की आयु में ऐसे और 18 वर्ष की आयु में कुछ इस प्रकार से दिखते हैं। डॉक्टर माइकल फिप्स के मुताबिक 2 से 3 वर्ष के नवजात के मस्तिष्क में लगभग 200 ट्रिलियन नर्व सेल्स कनेक्शन मतलब 200 खरब तंत्रिका कोशिका का संयोजन यानी कि सिनेप्स होते हैं, जो किसी वयस्क के संयोजन की तुलना में 2 गुना है। बच्चों के अध्ययन के दौरान प्राप्त अनुभव निर्धारित करते हैं कि जो संयोजन नर्व सेल्स कनेक्शन उपयोग में आते हैं वह विकसित होते हैं, और बाकी बचे जो उपयोग में नहीं आते हैं वह आगे कार्य नहीं करेंगे। इसीलिए वयस्क की तुलना में बच्चों में नर्व सेल्स कनेक्शन डबल होते हैं। इसलिए मनोवैज्ञानिक बताते हैं कि छोटे बच्चों में 8 वर्ष की आयु तक उनके दिमाग का 80% विकास पूर्ण हो जाता है। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 4 वर्ष की आयु तक 50% ब्रेन डेवलप हो जाता है, और 4 वर्ष से लेकर 8 वर्ष की आयु तक 30% और दिमाग का विकास होता है। इन शॉर्ट 8 साल की आयु तक 50+30 यानी 80% ब्रेन डेवलप हो जाता है। इसीलिए इसे स्वर्णिम काल यानी गोल्डन पीरियड ऑफ लाइफ कहते हैं, जब 100 में से 80% ब्रेन का डेवलपमेंट हो जाता है। तो दोस्तों, अपने बच्चों के लिए उनके दिमाग का विकास जब 80% पूर्ण होता है, वह गोल्डन पीरियड जन्म से लेकर 8 साल तक बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यह गोल्डन पीरियड ही तय करता है उनका भविष्य, उनका आने वाला कल। तो फिर अच्छा, सुनहरा और सफल भविष्य के लिए इन प्रथम 8 वर्ष गोल्डन पीरियड में कौन कौन सी मजबूत नींव रखनी चाहिए? जैसे कि आप देख सकते हैं कि सफल जीवन के लिए प्रथम 8 वर्ष के दौरान हमें अपने बच्चों में पर्सनल केयर, सोशल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स और लैंग्वेजेस जैसे कि इंग्लिश, जो कि भविष्य की नेसेसरी लैंग्वेज है, यह महत्वपूर्ण नींव यानी कि फाउंडेशन रखनी चाहिए। इन सभी का प्रभाव उनके भविष्य पर अच्छा होता है, क्योंकि शुरुआती वर्षों में बच्चे बेहतर सीखते हैं, आसानी से सीखते हैं और हमारे कंपैरिजन में तेजी से सीखते हैं। डॉक्टर सुजेन कर्टिस, जो कि UCLA में भाषा शास्त्र के प्रवक्ता है, उनके मुताबिक छोटे बच्चे में भाषा सीखने की शक्ति इतनी प्रबल होती है कि वे इतनी बोली जाने वाली भाषाएं सीख सकते हैं, जितनी आप उन्हें समान समय पर व्यवस्थित रूप से नियमित सुनने की अनुमति देते हैं। आप खुद सोचें, बच्चे के जन्म के केवल 15 से 18 महीनों में
अपने घर में बोले जाने वाली भाषा सिर्फ सुनकर बोलना सीख लेते हैं। आश्चर्य की बात यह है कि वे ग्रामेटिकली भी सही सही बोलना सीख लेते हैं। अगर किसी घर में जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं, उन दो बच्चों में से एक को आप अमेरिका ले जाते हैं और वहाँ बड़ा करते हैं, तो केवल 18 महीनों के बाद वो अमेरिकन इंग्लिश बोलना सीख गया होगा। और जो बच्चा घर में बड़ा हुआ है, वह घर में बोले जाने वाली भाषा सीख गया होगा। डॉक्टर रोनाल्ड कौतुलक बताते हैं कि जीवन के प्रथम 3 वर्षों में ही बच्चों में सोचने की, भाषा बोलने की, देखने की, व्यवहार करने की, बुद्धिमत्ता यानी कि IQ की और अन्य सभी गुणों की फाउंडेशन यानी कि नींव रखी जाती है। तो फिर देखना यह है कि इन गोल्डन पीरियड के दौरान जब बच्चे के मस्तिष्क का विकास 80% होता है, तब बच्चे कहां से सीखते हैं? उनके सीखने के लिए महत्वपूर्ण जगह कौन कौन सी है? बच्चे के जीवन में सबसे बड़े लर्निंग सोर्सेज में एक है उनका अपना घर और दूसरा उनका स्कूल। और उनके जीवन में घर के शिक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण लोगों में आते हैं उनके माता पिता एवं परिवार के अन्य सदस्य और दूसरे स्कूल्स के टीचर्स। इट मीन्स 8 साल तक बच्चे के जीवन में शिक्षा के लिए केवल माता पिता और शिक्षक ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं। बट अमेजिंग फैक्ट ये है कि आमतौर पर ज्यादातर माता पिता अपने बच्चे के विकास के लिए सबसे अधिक स्कूल पर निर्भर रहते हैं। जैसे कि हम किसी भी माँ बाप से पूछते हैं कि आप अपने बच्चों के अच्छे एजुकेशन के लिए क्या करते हैं, तो ज्यादातर माँ बाप कहते हैं कि हम उन्हें सबसे अच्छे स्कूल में डालते हैं और सबसे अच्छी ट्यूशंस करवाते हैं। वह सोचते हैं कि उनके बच्चों का डेवलपमेंट सिर्फ स्कूल से ही हो जाएगा। अगर ऐसा वह करते हैं, तो आइए देखते हैं कि बच्चे के जीवन में स्कूल और शिक्षकों की भूमिका क्या होती है, उनका रोल कितना होता है। जब बच्चों के दिमाग का विकास 80% पूर्ण हो जाता है, उन गोल्डन पीरियड यानी कि जन्म से 8 वर्ष के दौरान, सबसे पहले 3 वर्ष की आयु तक तो बच्चे 100% घर में ही रहते हैं। जब दिमाग का विकास लगभग 50% जितना हो जाता है, तब तक तो स्कूल और टीचर का कोई रोल ही नहीं होता, क्योंकि 3 वर्ष की आयु तक बच्चे स्कूल जाते ही नहीं। 3 साल के बाद वे सिर्फ 6 घंटे के लिए स्कूल जाते हैं और बाकी के 18 घंटे वे घर पर ही बिताते हैं। मीन्स दिन में सिर्फ 25% टाइम स्कूल में होते हैं और 75% टाइम वे घर पर ही बिताते हैं। इन शॉर्ट, जब दिमाग का विकास 80% होता है, जन्म से 8 साल तक, उन 8 वर्षों के दौरान बच्चे केवल 5 वर्ष और दिन के 24 घंटों में से केवल 6 घंटे स्कूल में होते हैं। एक और सवाल ये भी है कि वे 1 वर्ष में कितने दिन स्कूल जाते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि टोटल 365 दिनों में से सैटरडे संडे के लगभग 70 दिन स्कूल बंद होती है, समर वेकेशन के लिए 50 दिन, दिवाली वेकेशन के लिए 20 दिन, नेशनल एंड फेस्टिवल हॉलीडेज जैसे कि 15 अगस्त, 26 जनवरी, रक्षाबंधन की छुट्टियों में 15 दिन और क्रिसमस वेकेशन के 10 दिन। कुल मिला के 365 दिनों में से 200 दिन ही स्कूल काम करता है। ध्यान दीजिए, हम इसमें परिवार में शादी, बीमारी आदि की गणना नहीं कर रहे हैं। मतलब कि 3 से 8 वर्ष की आयु में कुल 365 दिनों में से औसतन सिर्फ 200 दिन बच्चे स्कूल जाते हैं और वो भी सिर्फ 6 घंटों के लिए ही। जब उनके मस्तिष्क के विकास का गोल्डन पीरियड होता है और दिमाग का विकास लगभग 80% पूर्ण हो चुका होता है। एक बात और कि जैसे कि आप देख रहे हैं, प्रत्येक कक्षा में केवल एक शिक्षक होता है जो कि औसतन 30 से 40 बच्चों को पढ़ाता है। इसलिए सर्वश्रेष्ठ शिक्षक द्वारा भी क्लास में प्रत्येक बच्चे पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान नहीं दिया जा सकता। जैसे कि हमने देखा
जन्म से 8 वर्ष तक मस्तिष्क का विकास 80% हो जाता है। इन वर्षों के दौरान एक जन्म से 3 वर्ष तक बच्चे 100% घर में रहते हैं। स्कूल और शिक्षकों की कोई भूमिका होती है? नहीं। दो, 3 से 8 वर्ष के दौरान 24 घंटे में से एक बच्चा स्कूल में कितना समय व्यतीत करता है? 6 घंटे। 3, औसतन आपका बच्चा 365 दिनों में से कितने दिन स्कूल जाता है? 180 से 200 दिन। और अब चौथा, प्रत्येक कक्षा में 30 से 40 बच्चे होते हैं। क्या सर्वश्रेष्ठ शिक्षक द्वारा भी कक्षा में प्रत्येक बच्चे पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान दिया जा सकता है? नहीं। तो दोस्तों, अभी तक हमने देखा कि एक, सीखने का काम जन्म से पहले शुरू हो जाता है। दो, जन्म के बाद के प्रथम कुछ वर्ष मस्तिष्क विकास के लिए गोल्डन पीरियड होते हैं। 3, इन गोल्डन पीरियड के दौरान बच्चे किसी वयस्क की तुलना में बेहतर, तेजी से और आसानी से सीख सकते हैं। 4, हम केवल स्कूल और टीचर्स पर डिपेंडेंट नहीं रह सकते, क्योंकि सबसे अच्छे टीचर द्वारा भी हर एक बच्चे पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान नहीं दिया जा सकता। और 5, बच्चे स्कूल से अधिक अपना समय घर पर ही व्यतीत करते हैं। इन सारी बातों को समझते हुए एक बात हमें माननी पड़ेगी कि बच्चे के लिए सर्वश्रेष्ठ स्कूल उनका घर ही है, और बच्चों के सर्वश्रेष्ठ गुरु होते हैं उनके माँ बाप। वे सबसे अच्छा अपने माँ बाप की गोद में सीखते हैं। इस बात को एक एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि कोई हमारे साथ बहुत गलत करता है और हम चाहते हुए भी उनके साथ गलत नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बचपन में हमने यह संस्कार अपने माँ बाप की गोद में सीखा था। आइए हम किसी छोटे बच्चे की उसकी कम उम्र में पूरे संसार को समझने की कठिनाइयों को जानने का प्रयास करते हैं। छोटे बच्चे को पूरी दुनिया की सभी बातें जाननी होती है, जैसे कि यह फैन क्यों घूम रहा है, यह प्लेन क्यों उड़ता है, गाय को 4 पैर क्यों होते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। और जब वे स्कूल जाते हैं तब उनको और भी चीजें सीखनी जरूरी हो जाती है, जैसे कि इंग्लिश, सोशल अवेयरनेस, मैथ्स और न जाने क्या क्या सीखना होता है। तो आइए देखते हैं कि इन छोटे छोटे बच्चों को क्या क्या समस्याएं होती है। प्रॉब्लम नंबर 1, मेरे दोस्त मुझसे ज्यादा स्मार्ट है। आइए एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं कि बच्चे ऐसा क्यों सोचते हैं। कल आप किसी भी स्कूल में चले जाइए, किसी एक 30 बच्चों की क्लास है, उनमें से स्मार्ट बच्चे कितने होते हैं? 4 से 5। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं इन बच्चों के माँ बाप उनके घर पे बच्चों की पढ़ाई पर ज्यादा मेहनत करते हैं, इसलिए वे ज्यादा स्मार्ट होते हैं। मैं जो आपसे बात कर रही हूँ वह उन बच्चों के बारे में है जिनके माता पिता उनके बच्चों की पढ़ाई पर दूसरे माता पिता की तुलना में कम ध्यान देते हैं। वे बच्चे सोचते हैं कि मेरे दोस्त मुझसे ज्यादा स्मार्ट है। प्रॉब्लम नंबर 2, शिक्षक मुझे ना पसंद करते हैं। जाहिर सी बात है, शिक्षक को भी वही बच्चे पसंद आते हैं जो पढ़ाई में आगे होते हैं। प्रॉब्लम नंबर 3, मैं पढ़ाई को बहुत ज्यादा बोरिंग पाता हूँ। यह भी बिल्कुल ऑब्वियस है, क्योंकि उन्हें स्कूल में पढ़ाई समझने में थोड़ी कठिनाई होती है। प्रॉब्लम नंबर 4, सभी लोग मुझे नहीं पढ़ने पर डांटते हैं। जब पढ़ाई ही बोरिंग हो गई हो तो क्यों पढ़ेगा? प्रॉब्लम नंबर 5, सभी कहते हैं कि मैं जीवन में कुछ नहीं बन सकता हूँ। अगर पढ़ाई ठीक से नहीं करता है तो परिवार के कुछ सदस्य उसे कहने लगते हैं कि तुम जीवन में कुछ नहीं बन सकते। इसका कुछ बच्चों के जीवन में बहुत गहरा असर होता है, और इन सभी कारणों से वे बच्चे सोचना शुरू कर देते हैं। क्यों नहीं सोचेंगे? जब और बच्चे उन्हें स्मार्ट लगते हैं, पढ़ाई उन्हें बोरिंग लगती है, सभी लोग उन्हें डांटते रहते हैं, सभी कहते हैं कि वे कुछ नहीं बन सकता, और आखिरकार एक दिन वह खुद यह मानने लगता है कि मैं जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता। आइए देखते हैं कि माता-पिता उनकी इन समस्याओं को कैसे हल कर सकते हैं।
जैसे कि आप यहाँ एक माता पिता को बात करते हुए देख रहे हैं। यहाँ पर पिता का कहना है कि हम अपने बच्चे को समझाएंगे, पर माता ने बहुत ही समझदारी के साथ जवाब देते हुए कहा कि हमें अपने बच्चों को समझाने की नहीं, पर हमें अपने बच्चों को समझने की जरूरत है। बात तो सच है कि हमें भी आज के बच्चों को समझाने की नहीं, बल्कि उन्हें समझने की जरूरत है। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि बच्चों की ये सभी समस्याएं उनके बौद्धिक स्तर यानी कि IQ से जुड़ी हुई है, और अगर हमें इन समस्याओं का समाधान करना है तो उनका IQ डेवलप करने के लिए सबसे पहला काम जो हमें करना है वो ये है कि हमें अपने पढ़ाने के तरीके को बदलना पड़ेगा। हमें बदलना होगा, हमें ब्लैक बोर्ड से स्मार्ट बोर्ड की ओर शिफ्ट होना होगा। यदि कोई बच्चा हमारे पुराने तरीके से सीखना पसंद नहीं करता है तो शायद हमें उन्हें उनके मनपसंद तरीके से सिखाना होगा। हमें अपने आप को बदलना होगा, क्योंकि आप आज के बच्चे को समझने की कोशिश करें। आज के बच्चे 21st century के बच्चे हैं, वे काफी आधुनिक हैं। आज के बच्चे तकनीक में कुशल हैं। Today's kids are smart in technology। आज के बच्चे एक ही जगह पर अधिक समय तक अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं। वे बहुत बिजी हैं। उनके पास किसी भी एक्टिविटी के लिए shorter attention, time span है। They like multitask। उन्हें अलग अलग कार्य करना पसंद है। अगर हम इन बच्चों को पढ़ाई के लिए मोटिवेट करना चाहते हैं, तो हमें 6 ways of learning के 6 तरीकों को उनकी पढ़ाई के तरीकों में शामिल करना होगा और उनकी पढ़ाई को मजेदार बनाने की आवश्यकता है। अमेरिकी विचारक और शिक्षक जॉन डेव के मुताबिक, यदि हम आज के छात्रों को इस प्रकार पढ़ाते हैं जैसा हम पहले पढ़ाते थे, तो हम उनका कल बर्बाद कर देंगे। बच्चे खेल खेल में आसानी से सीख लेते हैं, जैसे हम हैं। हम लोग जब न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो सिर्फ हेडलाइन पढ़कर छोड़ देते हैं, और जब न्यूज़ टीवी पर देखते हैं तो काफी लंबे समय तक न्यूज़ देखते रहते हैं और पूरे ध्यान से देखते हैं। ठीक उसी तरह हमारे बच्चे हैं। वे जब ब्लैक बोर्ड पर सीखते हैं कि 6 + 2 = 8 होता है, तो वे ज्यादा अच्छे से नहीं पढ़ पाते हैं। वे ऊब जाते हैं, बोर होते हैं। पर इन्हीं बच्चों को अगर सांप सीढ़ी पर खेलते खेलते आप सिखाते हो, तो पहले 6 गिरा, फिर 2 गिरा, तो बच्चा आसानी से सीख लेता है कि 6 + 2 = 8। और इस बात के चलते हमें समझना चाहिए कि खेल बच्चों के लिए लर्निंग का सबसे पसंदीदा मार्ग है। मीन्स बच्चे खेल खेल में आसानी से सीखते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आज के बच्चों को वीडियो गेम खेलना पसंद है, कार्टून देखना पसंद है, स्टोरी बुक पढ़ना, ऑडियो सुनना, नोट्स लिखना और कुछ क्रिएटिव करना पसंद है। और मजे की बात ये है कि ये सारी एक्टिविटीज में बच्चे सीखते हैं। आप कैसा अनुभव करेंगे यदि आपको अपने बच्चे के लिए ये सभी महत्वपूर्ण 6 ways of learning सिंगल प्लेटफॉर्म पर मिले? इस प्लेटफॉर्म पर अब बच्चों के मस्तिष्क का विकास करना बहुत आसान है, क्योंकि हमारी कंपनी ने सुपर IQ के साथ हाथ मिलाकर आपके लिए आज के 21st century के स्मार्ट बच्चों के लिए एक बेहतरीन प्रोडक्ट तैयार किया है, जो आपके बच्चों को घर बैठे आज की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ एजुकेशन प्रदान करेगा और उनकी पढ़ाई में आने वाली सारी समस्याओं को आसानी से सॉल्व करने में उनको सपोर्ट करेगा। सुपर IQ एक 32 GB का मेमोरी कार्ड है, जिसके अंदर आपके बच्चों को स्कूल में पढ़ाई जाने वाली सारी चीजों को समाविष्ट किया गया है। किसी भी एंड्रॉइड 4.4 एंड अबोव टेबलेट या मोबाइल में आप सुपर IQ 32 GB का SD कार्ड इंसर्ट करो और घर बैठे कंप्लीट लर्निंग सॉल्यूशन का आनंद पाओ। मजे की बात ये है कि सुपर IQ से पढ़ाई के लिए इंटरनेट या वाईफाई की जरूरत नहीं है। सुपर IQ SD कार्ड से ऑफलाइन में एजुकेशन होता है। सुपर IQ में लोअर KG से अपर KG में न्यूमेरिकल स्किल्स, इंग्लिश, हिंदी, पर्सनल केयर, सोशल अवेयरनेस और ग्रेड 1 से ग्रेड 5 में मैथ्स, एनवायरमेंट स्टडीज, जनरल नॉलेज और
हर पैकेज में 1000 से ज्यादा आईक्यू रिलेटेड क्वेश्चंस, इंग्लिश रीडिंग एंड ग्रामर, एडवांस स्पोकन इंग्लिश जोन और मॉरल वैल्यूज, यह विषय शामिल किए गए हैं। जिसका मतलब यह हुआ दोस्तों कि सुपर आईक्यू 32GB एजुकेशन कार्ड से आपका बच्चा बेहतर ढंग से पढ़ेगा और साथ ही साथ आईक्यू क्वेश्चन से उसका आईक्यू बेहतर होगा। छोटी उम्र में जब उसके 200 खरब नर्व सेल एक्टिव है, तब मॉरल वैल्यू से एक अच्छा और स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर बिल्ड करेगा और साथ ही साथ इंग्लिश रीडिंग, ग्रामर और स्पोकन इंग्लिश से छोटी सी उम्र में आपका बच्चा अंग्रेजी बोलना सीख जाएगा। सुपर आईक्यू का अगर शॉर्ट में परिचय दूं, तो ये पढ़ाई की नई और अनुकूल तकनीक है जिससे आप मोबाइल एवं टेक्नोलॉजी के साथ पढ़ाई कर सकते हैं। इस नई तकनीक का प्रयोग कई वर्षों से 100 से अधिक देशों में किया जा रहा है। इस नई तकनीक का भारत में कई स्कूल्स, प्रिंसिपल्स, टीचर्स, पेरेंट्स और कई सारे सरकारी प्रोजेक्ट्स, एनजीओ द्वारा परीक्षण किया गया है और उपयोग में लिया जा रहा है। सुपर आईक्यू को अगर आपको आसान शब्दों में समझना है, तो शिक्षा को अगर टेक्नोलॉजी से जोड़ दिया जाए, तो इसे कहते हैं सुपर आईक्यू। सुपर आईक्यू आपके बच्चों के लिए एक सुरक्षित प्रोडक्ट है, क्योंकि सुरक्षा को प्रथम दृष्टिकोण में रखा है। सबसे पहली बात, ये पढ़ाई ऑफलाइन होगी, इसलिए सुरक्षित है। दूसरा, क्योंकि यह माता पिता के नियंत्रण में होता है, इसलिए सुरक्षित है। तीसरा, यह प्रोडक्ट आपके बच्चों की आंखों की सुरक्षा एवं बचाव का ध्यान रखकर बनाया गया है, इसलिए सुरक्षित है। चौथा, इस प्रोडक्ट में किसी भी तरह की एडवर्टाइजमेंट, हिंसा एवं विभत्स सामग्री का इस्तेमाल नहीं किया गया है, इसलिए भी ये सुरक्षित है। यह प्रोडक्ट आपके बच्चों के लिए उचित सामग्री प्रदान करता है, जो कि भारत में दी जाने वाली शिक्षा के मुताबिक एवं NCERT के गाइडलाइन के अनुसार बनाया गया है, इसलिए सुरक्षित है। यह प्रोडक्ट आपके बच्चों को ऑर्गेनाइज तरीके से पढ़ने में सहायता करता है। सुपर आईक्यू के साथ आप अपने बच्चों के लिए बेहतर माता पिता बन सकते हैं, क्योंकि यह आपको आपके बच्चे के परफॉर्मेंस और एंगेजमेंट की SMS और ईमेल के द्वारा रिपोर्ट देगा, जिससे होगा ये कि आप अपने बच्चे की वास्तविक क्षमता को जान पाएंगे। आपका बच्चा किस विषय में कुशल है और किस विषय में कमजोर है, यह भी आप जान पाओगे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपके बच्चे की पढ़ाई की गतिविधि की जानकारी भी आपको होगी। सुपर आईक्यू बच्चों की पढ़ाई के तरीके में क्रांति लाया है। 70,000 प्लस स्टूडेंट इससे अपनी पढ़ाई को मजेदार बनाकर आगे बढ़ रहे हैं। इंडिया के अलावा सिंगापुर, फिलीपींस, मलेशिया और इंडोनेशिया में सुपर आईक्यू पिछले कुछ वर्षों में एजुकेशन की इस नई तकनीक से बच्चों को उनकी पढ़ाई में सहायता कर रहा है। 600 से ज्यादा कई बड़ी बड़ी स्कूल्स के बच्चों द्वारा सुपर आईक्यू का प्रयोग बच्चों की पढ़ाई के उपयोग में लिया जा रहा है। सुपर आईक्यू में हम बच्चों को ऑर्गेनाइज तरीके से पढ़ाते हैं। इसमें हर चैप्टर लेवल वाइज होता है और हर टॉपिक स्टेज वाइज आता है। जैसे कि बहुत से लोग कहते हैं कि मेरा बेटा यूट्यूब में पढ़ लेगा। अब जैसे ही 1 से 10 का पहला वीडियो ओपन किया, तो अब अगला वीडियो कौन सा आएगा, ये आपको नहीं पता। अगला वीडियो शायद 231 या 240 से भी स्टार्ट हो सकता है, या फिर कोई कार्टून या कोई अश्लील वीडियो भी हो सकता है, या कुछ भी ओपन हो सकता है। आपका बच्चा सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर है, जबकि सुपर आईक्यू में आपका बच्चा हर चैप्टर की लेवल वाइज और हर टॉपिक की स्टेज वाइज पढ़ाई करेगा। सुपर आईक्यू में आने वाला T2 कार्टून आपके बच्चों को पढ़ाई के लिए उत्साहित करेगा। T2 आपके बच्चों को प्लेटफॉर्म पर नेविगेशन में और उनकी परफॉर्मेंस को गाइड करके इसमें दिए गए नए नए कंटेंट को सजेस्ट करते हुए आपके बच्चों का सबसे अच्छा दोस्त, गुरु, उनका गाइड, मोटिवेटर, कोच एंड उनका मनपसंद टीचर का रोल अदा करेगा। सुपर आईक्यू का मेन स्क्रीन कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ पर है ब्राइटनेस, साउंड और
बैटरी का आइकॉन एंड कंट्रोल। यहाँ पर है पेरेंट जोन, जहाँ माता पिता अपना पासवर्ड डाल सकते हैं और यहाँ पर बच्चों की प्रोफाइल बना सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसमें एक तरफ है प्ले जोन और यहाँ आप देख सकते हैं लर्न जोन, जहाँ बच्चे पढ़ाई करते हैं। हमने सुपर आईक्यू में आपके बच्चों के लिए स्पोकन इंग्लिश का भी ऑप्शन दिया है, जिससे बच्चे अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं। सुपर आईक्यू का लर्न जोन कुछ इस प्रकार से है। इसमें बच्चा एक के बाद एक लेवल पार करते हुए अलग अलग चैप्टर पढ़ेगा और एक के बाद एक स्टेजेस को क्रॉस करते हुए टॉपिक पढ़ेगा, और कुछ इस तरीके से अलग अलग लेवल और स्टेजेस को पार करते हुए स्टार और इनाम पाते हुए मजे और खेल के साथ बच्चे स्टडी कर सकते हैं। लर्न जोन में प्रत्येक विषय में मजेदार पढ़ाई की सामग्री, बोलती हुई किताबों के द्वारा सारी किताबों को खेल के रूप में ढाला है। प्रत्येक विषय को मजेदार डिजिटल बुक्स, वीडियोस, स्टोरीज, खेल और वर्कशीट के माध्यम से 6 वेज ऑफ लर्निंग को एक साथ मिलाकर मजेदार बनाए गए हैं। लर्न जोन में जैसे जैसे बच्चा पढ़ेगा, वैसे वैसे उसका आईक्यू स्कोर बढ़ेगा, जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं। मजे की बात ये है कि अगर किसी बच्चे को प्ले जोन में खेलना है, तो सबसे पहले उन्हें अपने आईक्यू स्कोर को बढ़ाना होगा। जैसे जैसे आईक्यू स्कोर बढ़ेगा, वैसे वैसे उनको प्ले टाइम भी मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि बच्चों को अगर प्ले जोन में खेलना है, तो उन्हें लर्न जोन में पढ़ना ही पड़ेगा और अपना आईक्यू स्कोर बढ़ाना ही पड़ेगा, जिससे होगा ये कि आपका बच्चा जितना अधिक खेलेगा, उतना ही अधिक सीखेगा। प्ले जोन में बच्चे अपने पसंदीदा कार्टून और मूवी देख सकते हैं और गेम्स खेल सकते हैं। माता पिता प्ले जोन में अपनी पसंद का वीडियो एवं एप्लीकेशन वगैरह भी शामिल कर सकते हैं। पेरेंट जोन में जैसे हमने बताया कि माता पिता अपने बच्चों की प्रोफाइल बना सकते हैं, प्ले जोन को चेंज कर सकते हैं और साथ ही साथ बच्चे की प्रगति, किसी भी विषय पर बच्चे का बिताया हुआ समय, उसमें कितना सही और कितना गलत किया, कितना छोड़ दिया, ये सारी जानकारी की रिपोर्ट प्राप्त कर सकते हैं। सुपर आईक्यू एक नई टेक्नोलॉजी है जो लेटेस्ट एजुकेशनल टेक्नोलॉजी प्रदान करता है, क्योंकि इसमें बोलती हुई किताबें हैं, जिससे आपके बच्चों की पढ़ने की और समझने की स्किल में विकास निश्चित है। सुपर आईक्यू में दिए गए एजुकेशनल वीडियोस आपके बच्चों की मेमोरी एंड फोकस को इम्प्रूव करेंगे। सुपर आईक्यू की मनमोहक गेम आपके बच्चों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की स्किल को और उनकी क्रिएटिविटी को बेहतर बनाती है। सुपर आईक्यू में दी गई हुई फन वर्कशीट आपके बच्चों की मल्टीपल इंटेलिजेंस स्किल को और उनके कंसंट्रेशन को बेटर बनाता है, और इसमें दिए गए एंटरटेनिंग कार्टून की वजह से बच्चों की स्मरण शक्ति और लर्निंग स्किल्स बेटर होती है, और ये सारी क्वालिटीज और आईक्यू के डेवलप होने के कारण आपके बच्चे के पुराने सारे प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व होते हुए दिखेंगे, क्योंकि सुपर आईक्यू के साथ अब बच्चे का सेल्फ कॉन्फिडेंस, आईक्यू, मेमोरी और क्रिएटिविटी बढ़ती है। तो पहले जो बच्चा सोचता था कि मेरे दोस्त मुझसे तेज है, वह प्रॉब्लम अब सॉल्व हो गया, क्योंकि उनकी मूलभूत जानकारी, समझ, आईक्यू अब बेहतर हो गई है, और इसलिए वो बच्चा अपने आप को अपने दोस्तों से कमजोर महसूस नहीं करता है। अब सुपर आईक्यू आपके बच्चों को जो उन्होंने स्कूल में पढ़ा है, उसे अच्छे से रिवाइज करवाता है। पढ़ने में आने वाले सारे कंफ्यूजन को क्लियर करके अच्छे ग्रेड पाने में मदद करता है। इसलिए पहले बच्चों की प्रॉब्लम थी कि शिक्षक उन्हें पसंद नहीं करते हैं, पर क्योंकि अब बच्चे के ग्रेड अच्छे हैं एवं शिक्षक द्वारा पूछे गए सवाल के सही सही जवाब बच्चे देते हैं, तो शिक्षक उन्हें नापसंद करे, ये सवाल ही पैदा नहीं होता। सुपर आईक्यू आपके बच्चों में सीखने को लेकर प्यार तथा पढ़ाई के प्रति झुकाव विकसित करता है। इसलिए पहले बच्चों की समस्या थी कि उन्हें पढ़ाई बोरिंग लगती थी, पर अब पढ़ाई से उन्हें लगाव सा हो गया है और पढ़ाई उन्हें एक मजेदार खेल लगने लगी है। तो इस टॉपिक पर मैं आपसे कुछ भी कहना नहीं चाहती हूँ। सुपर आईक्यू आपके बच्चे को पढ़ने में मोटिवेट करता है। पहले वह सोचता था कि सभी लोग उसे डांटते रहते थे,
पर क्योंकि अब उसे पढ़ाई से लगाव है और रिपोर्ट के द्वारा माता पिता भी जानते हैं कि बच्चों ने क्या पढ़ा, तो फिर क्यों डांटेंगे। सुपर आईक्यू ने आपके बच्चों को उनकी वास्तविक क्षमता और उनको अपने भविष्य से अवगत करवाया है। तो पहले उनको लोग कहते थे कि तू कुछ भी नहीं बन सकता, जबकि आज उसे सुपर आईक्यू के नाम पे अपना गुरु मिल गया है। वह अधिक आत्मविश्वासी बन गया है, तो यह प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गया। इन शॉर्ट, आप देखेंगे कि सुपर आईक्यू के साथ आपके बच्चे की सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हो जाएगा। इन शॉर्ट, सुपर आईक्यू उनके ब्रेन को पावरफुल करेगा और उनका ब्राइट फ्यूचर अचीव करने में उनकी सहायता करेगा। ओवरऑल आपके बच्चे की इंटेलिजेंस और मार्क्स बढ़ेंगे और वे सक्सेस की ओर आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, एक बात जाने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगी, अगर आप एक वर्ष की स्कूल फीस, बुक्स, यूनिफॉर्म, ट्यूशन फीस एंड अदर करिकुलर एक्टिविटीज का खर्चा जोड़ते हो तो ये करीब 25,000 से लेकर 1,00,000 रुपए तक प्रति वर्ष का होता है। इनकी कंपैरिजन में सुपर आईक्यू काफी किफायती है और सस्ता है। सुपर आईक्यू को आप 3 अलग अलग पैकेज में खरीद सकते हैं। जिस ग्रेड अथवा स्टैंडर्ड में आपका बच्चा पढ़ाई कर रहा है, आप वह पैकेज पसंद कर सकते हैं। सुपर आईक्यू 32 GB एजुकेशन कार्ड में पैकेज 1 में 1700 से ज्यादा वीडियोस, 1400 से ज्यादा इंटरएक्टिव मतलब बोलती हुई स्टोरी बुक्स और 600 से ज्यादा असेसमेंट जो कि क्विज सवाल जवाब के तौर पर दिए गए हैं, जिससे बच्चे का आईक्यू डेवलप होता है। उसी तरह पैकेज 2 में 1100 से ज्यादा वीडियोस, 1700 से ज्यादा इंटरएक्टिव बुक्स और 550 से ज्यादा क्विज कॉन्टेस्ट दिए गए हैं, और पैकेज 3 में 1200 से ज्यादा वीडियोस, 2100 से ज्यादा बोलती हुई किताबें और 500 से ज्यादा टेस्ट दिए गए हैं। ध्यान दीजिए, यह बच्चों का पढ़ाई करने का मनपसंद तरीका है और हर वीडियो की एवरेज लेंथ औसतन 4 मिनट की है। कुछ इस तरीके से आप पैकेज पसंद कर सकते हैं। पैकेज 1, लोअर केजी से ग्रेड 2 तक। पैकेज 2, जिसमें ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 3 तक सारे सब्जेक्ट्स कवर किए गए हैं। और पैकेज 3, ग्रेड 3 से लेकर ग्रेड 5 तक। एक सुपर आईक्यू में किया गया निवेश आपके बच्चे को कम से कम 3 साल तक पढ़ने में सहायता करेगा। एक सुपर आईक्यू का MRP 23,000 रुपए है, मगर आज और अभी आप सुपर आईक्यू लेते हैं तो 23,000 रुपए में नहीं बल्कि बहुत ही कम दाम में मिलेगा, जिससे आपका बच्चा कम से कम 3 साल तक पढ़ाई कर सकता है। तो इसीलिए सुपर आईक्यू बहुत ही सस्ता और किफायती हो गया। और हाँ, एक बात कहना तो मैं भूल ही गई, अगर आपके घर में 2 या 3 बच्चे हैं, तो आप एक ही सुपर आईक्यू से उन बच्चों की अलग अलग प्रोफाइल और पासवर्ड बनाकर उन्हें यह मजेदार तरीके से पढ़ने में मदद कर सकते हैं। और इस तरीके से ये प्रोडक्ट और भी सस्ता और किफायती हो जाएगा। जाने से पहले एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि 100 बात की एक बात, सुपर आईक्यू लाइए और आपके बच्चों की समस्याओं का समाधान कीजिए। तो फिर देर किस बात की, आज ही सुपर आईक्यू खरीद के अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य बनाइए।